हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे हमारे क्लास 12th मैट्रिसेस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हमें ये स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है, तो चलिए वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले ए प्लस बी यानी कि ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ ऐड करना है, तो चलिए ऐड करते हैं। ए प्लस बी मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। -1 प्लस -4 -5, 5 प्लस 1 6, -2 प्लस 1 -1, 2 प्लस 1 3, 7 प्लस 2 9, 1 प्लस 3 4, 3 प्लस -5 -2, 9 प्लस 0 9, 1 प्लस 1 2। ये हमने a प्लस b को फाइंड आउट कर लिया। अब हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। आपको पता है ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं? ट्रांसपोज फाइंड आउट करना बहुत ही आसान होता है। हमने यहाँ पर ए प्लस बी मैट्रिक्स को ऐड किया और ऐड करके हमको ये मैट्रिक्स मिल गई। अब हमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ट्रांसपोज फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। हम रोज को कॉलम्स में चेंज कर देंगे। बस ये हमारी फर्स्ट रो है, तो ये हमारी फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। फर्स्ट रो हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। -5 3 -2, -5 3 -2, ये हमारी सेकंड रो हमारा सेकंड कॉलम बन जाएगी। 6 9 9, 6 9 9, ये हमारी थर्ड रो हमारा थर्ड कॉलम बन जाएगी। और ये हमें यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी मिल गया। अब हम आरएचएस साइड सॉल्व करेंगे। आरएचएस साइड सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, तो वैसे ही फाइंड आउट करेंगे। हमारा फर्स्ट रो हमारी फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। -1 2 3, हमारी सेकंड रो हमारा सेकंड कॉलम बन जाएगी। हमारी थर्ड रो हमारा थर्ड कॉलम बन जाएगी। उसके बाद हम अब बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। सेम तरीके से हमारी फर्स्ट रो हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, हमारी सेकंड रो हमारा सेकंड कॉलम बन जाएगी, और हमारी थर्ड रो 1 3 1, हमारी थर्ड रो हमारा थर्ड कॉलम बन जाएगी 1 3 1। अब हमने ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया, बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे। -1 प्लस -4 -5, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस -5 -2, 5 प्लस 1 6, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 0 9, -2 प्लस 1 -1, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 1 2। अब यहां पर देखिए, ये दोनों मैट्रिक्स में जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं। -5 -5 की इक्वल है, 6 6 की इक्वल है, -1 -1 की इक्वल है। सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिसेस भी इक्वल हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी विल बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। मतलब ये स्टेटमेंट को हमने वेरीफाई कर लिया। ये स्टेटमेंट हमारी वेरीफाइड हो गई। अब हमारा सेकेंड पार्ट गिवन है। सेकेंड पार्ट में हमको ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज शो करना है। तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से माइनस करेंगे और उसके बाद उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे एलचेस को सॉल्व करने के लिए। तो -1 माइनस, हम ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से माइनस करेंगे, तो -1 माइनस -4, -1 प्लस हो जाएगा, तो -1 प्लस 4 हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा +3। उसके बाद हमें 5, उसके बाद हमें 5 -1 क्या मिल जाएगा? 4। उसके बाद -1 -2 -1 क्या मिल जाएगा? -3। फिर 2 -1 हमें क्या मिल जाएगा? 1। उसके बाद यहाँ पर 7 -2 हमें 5 मिल जाएगा, और यहाँ पर हमें 1 -3 हमें क्या मिल जाएगा? 1 -3 हमें -2 मिल जाएगा। और उसके बाद हमें 3 -5, -1 प्लस हो जाएगा यानी +5, 3 + 5 हमें 8 मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें 9 -0 हमें 9 मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें 1 -1 हमको 0 मिल जाएगा। यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया था, यहाँ पर सिंपली हमने ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से माइनस करके ये मैट्रिक्स ऑप्टेन करी है। उसके बाद हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट किया है। इसमें हमारी फर्स्ट रो हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। फर्स्ट रो 3 1 8 हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सॉरी 3 1 8 हमारी फर्स्ट रो हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, हमारी सेकंड रो हमारा सेकंड कॉलम बन जाएगी, और हमारी थर्ड रो हमारा थर्ड कॉलम बन जाएगी।
यहां पर ये हमने ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज पहले फाइंड आउट किया था, तो वही ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को हमने एज इट इज लिख दिया है, बस यहां पर माइनस का साइन लग गया है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस वन माइनस माइनस फोर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस वन प्लस फोर हमें प्लस थ्री मिल जाएगा, उसके बाद टू माइनस वन हमें वन मिल जाएगा, थ्री माइनस माइनस फाइव, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी थ्री प्लस फाइव हमको एट मिल जाएगा, फाइव माइनस वन हमें फोर मिल जाएगा, सेवन माइनस टू हमें फाइव मिल जाएगा, नाइन माइनस जीरो हमें नाइन मिल जाएगा। हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस टू माइनस वन हमें माइनस थ्री मिल जाएगा, वन माइनस थ्री हमें माइनस टू मिल जाएगा, वन माइनस वन हमें जीरो मिल जाएगा। यहां पर देखिए ये दोनों मैट्रिक्स में प्लस थ्री वन एट, प्लस थ्री वन एट, फोर फाइव नाइन, फोर फाइव नाइन, माइनस थ्री माइनस टू जीरो, माइनस थ्री माइनस टू जीरो। यहां पर हमारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं, इसका मतलब हमारी ये दोनों मैट्रिसेस भी इक्वल होंगी, और क्योंकि ये हमारी ये दोनों मैट्रिसेस भी इक्वल हैं, इसका मतलब हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस बी इक्वल होगा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। तो अब हम सॉल्व करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री। यहाँ पर हमको गिवन है ए ट्रांसपोज, ओ माई गॉड, यहाँ पर हमको ए ट्रांसपोज गिवन है, इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, ए ट्रांसपोज गिवन है और अब हमें ए ट्रांसपोज से ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, और यहाँ पर हमें बी मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ पर हमें ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स गिवन है और यहाँ पर हमको बी मैट्रिक्स गिवन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे हमारा एलएचएस साइड, यहाँ पर हमें ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से ऐड करना है, तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर हमको ए ट्रांसपोज गिवन है, तो अब हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स से ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे, कैसे, बिल्कुल जैसे हमने पहले, जैसे हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करते थे वैसे ही ट्रांसपोज से हम मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में चेंज हो जाएगा, और थर्ड रो हमारी थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगी। ये हमको हमें हमारी ए मैट्रिक्स मिल गई। अब ए मैट्रिक्स में हमें ऐड करना है बी मैट्रिक्स, यानी कि ये वाली, माइनस वन वन टू टू वन थ्री, ये है हमारी बी मैट्रिक्स। आपको पता है दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। तो चलिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, थ्री प्लस माइनस वन क्या हो जाएगा, टू, फोर माइनस वन थ्री, माइनस वन प्लस टू हमें वन मिल जाएगा, टू प्लस टू हमें फोर मिल जाएगा, जीरो प्लस वन हमें वन मिल जाएगा, वन प्लस थ्री हमें फोर मिल जाएगा। और अब हम फाइंड आउट, ये यहाँ पर हमको क्या मिल गया, ये यहाँ पर हमको ए प्लस बी मैट्रिक्स मिल गई। अब हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। आपको पता है ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमारी फर्स्ट रो हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, टू वन वन, और हमारी सेकंड रो हमारा सेकंड कॉलम बन जाएगी, थ्री फोर फोर। बस हो गया है ना, बहुत ही आसान। अब हम सॉल्व करेंगे आरएचएस साइड, सबसे पहले ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज हमको गिवन है, थ्री माइनस वन जीरो, फोर टू वन, पर बी ट्रांसपोज हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमारी फर्स्ट रो हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, माइनस वन टू वन, और हमारी सेकेंड रो वन टू थ्री हमारा सेकेंड कॉलम बन जाएगी, वन टू थ्री। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने के लिए क्या करना होता है, कुछ भी नहीं, बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना होता है। तो थ्री प्लस माइनस वन क्या आ जाएगा, टू, माइनस वन प्लस टू हमें क्या मिल जाएगा, वन, जीरो प्लस वन वन, फोर प्लस वन थ्री, टू प्लस टू फोर, वन प्लस थ्री फोर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारी ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, क्यों, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं, टू थ्री टू थ्री, वन फोर वन फोर, वन फोर वन फोर। तो इसका मतलब हमने इस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर दिया। तो अब हम सॉल्व करेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर सबसे पहले हमें ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर ये हमने ए मैट्रिक्स ऑब्टेन की थी और ये हमारी बी मैट्रिक्स है, दोनों को अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस करने के बजाय हमें सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पर। तो थ्री माइनस माइनस वन, थ्री माइनस माइनस वन क्या हो जाएगा, तो हमें थ्री माइनस माइनस वन मिल जाएगा, फोर, हमें थ्री माइनस माइनस वन क्या मिल जाएगा, हमें थ्री माइनस माइनस वन फोर मिल जाएगा, फोर माइनस वन हमें थ्री मिल जाएगा,
माइनस वन माइनस टू हमें क्या मिल जाएगा माइनस थ्री। हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम बस ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। पहले हमने प्लस किया था तो टू माइनस टू जीरो, जीरो माइनस वन माइनस वन, वन माइनस थ्री माइनस टू, ये हमें मिल गया ए माइनस बी। अब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। तो ट्रांसपोज फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। हमारी फर्स्ट रो हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, हमारी सेकंड रो थ्री जीरो माइनस टू हमारा सेकंड कॉलम बन जाएगी। बस ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर हमें ए ट्रांसपोज में से बी ट्रांसपोज को माइनस करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए ट्रांसपोज आपको गिवन है, इसको हम एज इट इज नोट कर लेंगे। थ्री माइनस वन जीरो, फोर टू वन, हमें सब्ट्रैक्ट करना है बी ट्रांसपोज को। बी ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट किया था, हमने यहाँ पर ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को प्लस किया था। सेकंड पार्ट में हमें सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम इसको एज इट इज लिख लेंगे। माइनस वन टू वन, माइनस वन टू वन, वन टू थ्री, वन टू थ्री। चलिए अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम ए ट्रांसपोज को बी ट्रांसपोज से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। थ्री माइनस माइनस वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थ्री प्लस वन फोर, माइनस वन माइनस टू क्या हो जाएगा माइनस थ्री, जीरो माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस वन, फोर माइनस वन थ्री हो जाएगा, टू माइनस टू जीरो हो जाएगा, वन माइनस थ्री माइनस टू हो जाएगा। यहां पर देखिए, यहां पर हमारी दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। इसका मतलब हमने इस स्टेटमेंट को भी वेरीफाई कर लिया। तो अब नेक्स्ट है हमारा छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन नंबर फोर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी होगी। हमें ए ट्रांसपोज गिवन है, लेकिन हमें ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी होगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, सेकंड रो को वन टू सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे। ये हमने ए मैट्रिक्स ऑप्टेन कर ली। अब हमें क्या करना है? अब हमें बी मैट्रिक्स ऑप्टेन कर, बी मैट्रिक्स हमको गिवन है, हमें बी मैट्रिक्स को टू से मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है इसे स्केलर मल्टीप्लीकेशन कहते हैं, और सिंपल सी बात है, आपको जितने भी एलिमेंट्स गिवन हैं बी मैट्रिक्स में उन सबको टू से मल्टीप्लाई करना है, और इस तरह से हमें टू भी मिल जाएगा। तो टू इंटू माइनस वन माइनस टू, टू वन जा टू, टू जीरो जा जीरो, टू टू जा फोर। ये तो हमने टेबल लर्न कर ली। अब हमने ए फाइंड आउट कर लिया और टू बी भी फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने ए भी फाइंड आउट कर लिया और हमने टू बी भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे? इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे। बहुत ही आसान है, हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। माइनस टू प्लस माइनस टू क्या हो जाएगा माइनस फोर, थ्री प्लस टू फाइव, वन प्लस जीरो वन, टू प्लस फोर सिक्स। ये हमको क्या मिल गया? ये हमको a प्लस टू बी मिला है, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है a प्लस टू बी का होल ट्रांसपोज। हमने a प्लस टू बी फाइंड आउट कर लिया, अब हम इसका होल ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट रो को चेंज करते हैं फर्स्ट कॉलम में, माइनस फोर और वन, और हमारी सेकेंड रो चेंज हो जाएगी हमारे सेकेंड कॉलम में, यानी फाइव और सिक्स। तो हमारा a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो हमने सॉल्व कर दिया हमारे प्यारे से क्वेश्चन को।